पाकिस्तान टीम में, जूनियर टीम में क्या कमी आ रही है? जैसे अभी बात हो रही थी कि ए टूअर्स कम हो रहे हैं, क्या रीजन है कि हम वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे टैलेंट? हम पाकिस्तान टीम से आता है लड़का, हम उसको ऐसा बना देते हैं जैसे पता नहीं हम बड़े बड़े लेजेंड के साथ उसको मिलाने लग जाते हैं। वो एक मैच में अच्छा परफॉर्म करता अंडर 19 के, हम कहते हैं जी ओ जी नया वसीम अकरम आ गया, ओ जी नया जावेद मियादाद आ गया, ओ जी नया वकार यूनुस आ गया। हम एक अंडर 19 लड़के को इतने बड़े बड़े लेजेंड के साथ मिलाने लग जाते हैं, भाई ऐसा नहीं होता। आपकी टीम कभी भी स्टेबल नहीं होगी और जो दुनिया की टीमें हैं टॉप 4 या टॉप 5 टीमें हैं वो आपको करीब भी नहीं आने देंगी जिस तरह की क्रिकेट वो लोग खेल रहे हैं। अब्दुल मजीद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उसने कहा कि अगर इंडिया की बी टीम भी आएगी तो उनकी क्रिकेट हमसे इतनी अच्छी है कि इंडिया की बी टीम हमें हरा देगी। देखिए उन्होंने पिछले 10-12 साल जिस वक्त जो हाल उनका था उस जमाने में, उसके बाद MRF एक एकेडमी उन्होंने खोली, उसके ऊपर फॉरेन कोचेस आए, उन्होंने 10-12 साल मेहनत की है, एक दिन में नहीं बने वो। और इस पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि IPL प्रोडक्ट बन गया इनका बेहतरीन किस्म का, जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा सपोर्ट मिली। इंडिया की टीम अच्छा खेलती है, हर चीज़ अच्छे उनके प्लेयर, कॉन्फिडेंस को मिलता है सारा कुछ हर चीज़, पर पाकिस्तान का जो सिस्टम है उस फेलियर की वजह से प्लेयर प्रोड्यूस नहीं हो रहे। हर प्लेयर भी नहीं हो रहे, प्लेयर की फर्स्ट अप्रोच क्या है, उसको चाहिए फाइनेंशियली सपोर्ट, यहाँ पे प्लेयर स्ट्रगल करता है, तो ये चीज उन्होंने खत्म कर दी। अब 20 करोड़ रुपया देंगे 2 महीने का, तो उसके वो माइंड से जो प्रेशर है पैसों का वो तो खत्म हो गया ना। अब वो खेलेगा मुल्क के लिए, वो परफॉर्मेंस की तरफ जाएगा कि मैंने जिताने मैचेस, वो बिल्कुल प्रेशर ऑफ हो गया। तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए कि जितने प्लेयर पाकिस्तान में हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प मिले। अगर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, तो ये जो फाइनेंशियली इफेक्ट्स हैं इसको खत्म किया जाए, प्लेयरों को फाइनेंशियली हेल्प दी जाए और सिक्योर किया जाए कि वो डिजर्व करते हैं, तभी जाके आप क्रिकेट इंप्रूवमेंट के जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को मात देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बात करें अगर मैच की तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 179 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टॉम हॉकर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी इस शानदार परफॉर्मेंस के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया है। बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया का फाइनल में मुकाबला भारत से होने वाला है जो कि 11 तारीख को होगा। पाकिस्तानी टीम की इस खराब परफॉर्मेंस को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी टीम के यंग टैलेंट पर जमकर सवाल उठाए हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी टीम को मिली अंडर 19 के सेमीफाइनल में इस हार को लेकर क्या कहा है। पाकिस्तान टीम में, जूनियर टीम में क्या कमी आ रही है? जैसे अभी बात हो रही थी कि ए टूअर्स कम हो रहे हैं, क्या रीजन है कि हम वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे टैलेंट? देखिए नजीब, एक मेरी बात समझने की कोशिश करें, ये बात इसमें कोई गलत बात नहीं है कि ए टीम के टूर्स नहीं हो रहे या पाकिस्तान अंडर 19 के टूर्स नहीं हो रहे। ये समझ आती है बात की, आप अपने मुल्क से निकल के जाएंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर नहीं हो रहे तो उसका क्या हल है? चले कि ये चीज नहीं हो रही, इसका कोई तो हल है। होता ये है कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट अपने लड़के को खिलाते हैं ना, चाहे वो अंडर 19 का लड़का है, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोई भी फर्स्ट टाइम लड़का आता है, आप उसको लंबे अरसे तक क्रिकेट खिलाते हैं। आपने इंडियन प्लेयर्स की बात की है, उठा के देख लें जितने भी जूनियर प्लेयर्स हैं, क्या उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस नहीं? आप उनके फर्स्ट क्लास के मैचेस देखें, आप उनके लिस्ट ए के मैचेस देखें, आप उनके T20 के मैचेस देखें, सबने खेले हुए हैं, फिर उसके बाद वो IPL खेलते हैं। मतलब ये पूरा एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, IPL वर्सेस डोमेस्टिक क्रिकेट, ये सब खेलते हैं। हम क्या करते हैं, हम पाकिस्तान टीम से आता है लड़का, हम उसको ऐसा बना देते हैं जैसे पता नहीं हम बड़े बड़े लेजेंड के साथ उसको मिलाने लग जाते हैं। वो एक मैच में अच्छा परफॉर्म करता है अंडर 19 के, हम कहते हैं जी ओ जी नया वसीम अकरम आ गया, ओ जी नया जावेद मियादाद आ गया, ओ जी नया वकार यूनुस आ गया। हम एक अंडर 19 लड़के को इतने बड़े बड़े लेजेंड के साथ मिलाने लग जाते हैं, भाई ऐसा नहीं होता है। अब्दुल मजीद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उसने कहा कि अगर इंडिया की बी टीम भी आएगी तो उनकी क्रिकेट हमसे इतनी अच्छी है कि इंडिया की बी टीम हमें हरा देगी। देखिए उन्होंने पिछले 10-12 साल जिस वक्त जो हाल उनका था उस जमाने में, उसके बाद MRF एक एकेडमी उन्होंने खोली, उसके ऊपर
फॉरेन कोचेस आए, उन्होंने 10 साल 12 साल मेहनत की है, एक दिन में नहीं बने वो। फिर आईपीएल ने इनको सपोर्ट किया, डेनिस ले को लिया वहाँ पे, बड़े बड़े नाम लिए, बड़े बड़े। फिर उन्होंने एक मजबूत प्लानिंग की, उन्होंने शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं की, उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, और उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग का फल ज़ाहिर 10-12 साल बाद ही मिलना था ना, वो जॉब इनको मिला। और इस पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि आईपीएल प्रोडक्ट बन गया इनका बेहतरीन किस्म का, जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा सपोर्ट मिली, खिलाड़ियों की तादाद ज़्यादा हो गई। अब पाकिस्तान में भी आईपीएल पीएसएल चल रहा है, अब इससे भी कुछ लड़के निकल रहे हैं, मगर हमारी अभी तक जो प्लानिंग है प्लेयर प्रोडक्शन करने की, वो अभी हमारी अभी तक है ही नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हम क्रिकेट में कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो हमें एशिया कप में हार मिली, फिर वर्ल्ड कप 2023 में हमें हार मिली, और अब एक बार फिर से अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में हमें ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर पाकिस्तानी क्रिकेट सिस्टम पूरी तरीके से एक्सपोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारतीय अंडर 19 टीम इतनी शानदार है और इतनी मैच्योर दिखती है कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो हमारी सीनियर टीम को भी हरा सकती है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडियन अंडर 19 टीम में कभी भी पैसों की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इंडिया की तरफ से खेल गए तो उनका करियर पूरी तरीके से सेफ है। यही रीजन है कि वो पूरी तरीके से अच्छे खेल पर फोकस करते हैं, ना कि पैसों पर। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि कैसे यंग टैलेंट को निखारा जाता है। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने इंडियन यंग टैलेंट की जमकर तारीफ भी की है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 14 में से 5 वर्ल्ड कप भारत ने जीते हैं। कुल मिलाकर इससे एक बात तो प्रूफ है कि इंडियन अंडर 19 टीम का कोई भी मुकाबला नहीं है। और इफ इन केस अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम भी इंडियन अंडर 19 टीम की तरह हो, तो हमें भी उन्हीं की तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि अंडर 19 का जब हमारा कोई भी प्लेयर अच्छी बॉलिंग या अच्छी बैटिंग करता है, तो हम उसे लीजेंड प्लेयरों से मिलाने लगते हैं, लाइक वसीम अकरम या वकार यूनुस। लेकिन एक मैच की परफॉर्मेंस से आप किसी को बड़े प्लेयर से नहीं मिला सकते हैं। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तानी टीम को जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में हार मिली है, पाकिस्तान को उसका दर्द काफी लगा है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।